और आज शाम में राष्ट्राध्यक्ष लालू जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मुलाकात मैडम सोनिया जी से भी होनी है। हरियाणा के फतेहाबाद में रैली होनी है। तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की दिशा में नीतीश कुमार ने जो मुहिम शुरू किया था उसकी आज पहली झलक हरियाणा में दिखेगी। ओम प्रकाश चौटाला के इस रैली में तमाम विपक्षी दल के नेता एक मंच पर होंगे और आज आगाज होगा मिशन 2024 की, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार करने के लिए बिहार से कमर कस चुके हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में जाने से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब अपने आवास से निकल रहे थे तो उन्होंने मीडिया को बताया कि वो आज हरियाणा जा रहे हैं, वहाँ पे रैली में शामिल होंगे। उसके बाद देर शाम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार पहले भी कई दल के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और इसी कड़ी में ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला की जो रैली है उस जयंती के बहाने जो रैली हरियाणा में की जा रही है, इस रैली में सीधे तौर पर विपक्षी एकता की जो ताकत है वो दिखाना है। मिशन 2024 की शुरुआत नीतीश कुमार कर रहे हैं लेकिन उसकी पहली झलक आज हरियाणा के उस मंच पर दिखेगा जहां तमाम विपक्षी दल के नेता मौजूद होंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा बंगाल और दिल्ली सहित अन्य प्रदेश जहां पे बीजेपी के खिलाफ जो नेता लड़ रहे हैं उन पार्टियों को न्योता भेजा गया और सभी एक मंच पर शामिल होंगे। उसी मंच से तेजस्वी यादव भी आज हुंकार भरेंगे और इस रैली में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। विशेष विमान है वो देहरादून से आई है, जिस विमान में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को पटना से हरियाणा जाना है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे, क्योंकि पटना से जब तेजस्वी यादव निकल रहे थे और एयरपोर्ट पहुंच रहे थे इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि आज की कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं इस कार्यक्रम से सीधे तौर पर विपक्षी एकता को बल मिलेगा। जो लोग अब तक विपक्षी जो एकता में शामिल नहीं हुए थे उनको भी गोलबंद होने के लिए एक मौका मिलेगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आज शाम में सोनिया गांधी से भी मुलाकात होगी। इसके पहले नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तमाम विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात करने के लिए, उस वक्त नीतीश कुमार की मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हो पाई थी, राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, लेकिन आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। लेकिन इस बार सबसे खास ये होगा कि लालू प्रसाद यादव खुद नीतीश कुमार के साथ होंगे, जो विपक्षी एकता के सूत्रधार जो बिहार से महागठबंधन के नेता कर रहे हैं उसकी आज झलक हरियाणा में दिखेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर आवास से निकलने के पहले। आज सब लोगों को पता है ये नहीं जा रहे हैं चौटाला जी की हो गया प्रोग्राम कर लिया और उस प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों को न्योता मिला उस कार्यक्रम में। और आज शाम में राष्ट्राध्यक्ष लालू जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मुलाकात मैडम सोनिया जी से भी होनी है। 28 तारीख को नामिनेशन कर रहे हैं क्या लालू जी? सर एक मिनट, हमको बहुत जरूरी काम है। आप पेटिशन प्रीतम सर से मिल लीजिए। तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो रहे हैं। तेजस्वी यादव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सीधे तौर पे यहाँ से पटना से निकले हैं और वो सोनिया गांधी से सामने मुलाकात करेंगे। और ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।